मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और नायब मुख्यमंत्री नीतिन पटेल जामनगर की मुलाकात। कोरोना की परिस्थिति की समीक्षा माटे सीएम और डेप्यूटी सीएम जामनगर में। सीएम की आगेवानी में जिला कलेक्टर कचेरी में खास बैठक योजाशे। बैठक में कोरोना की परिस्थिति, दर्दियों ने सारवार व्यवस्था सहित मुद्दा की चर्चा कराशे। बैठक में जिला कलेक्टर और आरोग्य विभाग अधिकारी साथ रहेशे। कोविड हॉस्पिटल की कामगीरी करवामां आवशे समीक्षा। कोरोना ने काबू में लेवा नियमों कड़क करवा तथा लॉकडाउन लागू करव के नहीं ते अंगे समय और संजोगों ने आधार लेवाशे खास निर्णय। आ निवेदन छे गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने। जी 24 कलाक साथ बातचीत में सीएम रूपाणी कहू कि आवश्यकता मुजब निर्णय के लेवामां आवशे। पहला मात्र 4 शहरों में रात्रि कर्फ्यू हतो, परंतु हवे 20 जेटला शहरों में रात्रि कर्फ्यू करवामां आव्यो छे। मुख्यमंत्री कहू कि आवश्यकता प्रमाणे अमे नियमोना परिवर्तन करीए छीए। गुजरात कोरोना ऑल टाइम हाई केस नोंधाया छे। गुजरात में त्यारे 8920 नो आंकड़ो सामे आव्यो। राज्य में पहली बार कोरोना की मौत नो आंकड़ो 94 पर पहुंचो। 24 कलाक में 3381 दर्दी कोरोना ने मात आपी। राज्य में एक अठवाडियो एटले के 8 दिवस थी हाईएस्ट मौत नो आंकड़ो नोंधाई रह्यो छे। अगाउ 11 जूने 38 दर्दी मौत थया। कोरोना ने लीधे राज्य में कुल 5170 लोग मौत। कोरोना थी साजा थयो रिकवरी रेट 85.73% थयो। राज्य में कोरोना एक्टिव केस 49773 छे। 283 दर्दी वेंटिलेटर पर छे। अमदावाद में आवेली सिविल केम्पस में 95% बेड भराई गया छे। 2250 कोविड बेड धरावती सिविल केम्पस में 2143 बेड फूल थया छे। सिविल केम्पस ना जुदा जुदा विभाग में आवेला बेड फूल थया। सिविल केम्पस में आवेली 1200 बेड कैंसर किडनी और हार्ट हॉस्पिटल में कोरोना दर्दियों ने अपाई रही छे सारवार। अमदावाद हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम एसोसिएशन पासे रेमडेसिविर इंजेक्शन जत्थो पूर्ण। कोविड दर्दियों ने सरलता से इंजेक्शन मिली रहे ते हेतु थी बे दिवस पहला आहना ने आपवामां आव्या हता। 450 रेमडेसिविर इंजेक्शन डॉक्टरों की मांग और दर्दियों की जरूरियात मुजब 450 डोज वितरण कराया। गईकाले तमाम डोज पूर्ण थता त्यारबाद एक पण डोज आहना ने ना मळ्या। महत्वनु छे के दर्दियों ने डॉक्टर नो माध्यम थी सरलता थी रेमडेसिविर ना डोज मळी रहे ते माटे आहना ना माध्यम थी वितरण नी कराई छे व्यवस्था। कुंभ माथी सूरत परत आवेला लोको कोरोनाग्रस्त थया। अत्यार सुधी में 13 लोको आव्या कोरोना नी झपेट में। 300 थी वधु लोकोनो करवामां आव्यो हतो टेस्ट। आरटीपीसीआर नेगेटिव आवे त्यां सुधी क्वॉरंटाइन रहेवा आदेश। अनेक लोको हजु पण छुपावी रह्या छे माहिती। भीड़भाड़ वाली जग्याओ थी दूर रहेवा लोकोने अपील। सूरत में कोरोना की बीजी लहर बाळको माटे वधारे घातक साबित थई रही छे। मात्र एक महीना में 286 बाळको कोरोना की झपेट में आव्या, जेमां 3 बाळकोना कोरोना थी मृत्यु पाम्या तो 10 वर्षनी नानी उमरना लोको बाळकोने वधारे संक्रमित थई रह्या छे। सूरतना अठवा लिंबायत रांदेर उदना कतार गामना बाळको आव्या छे कोरोना की झपेट में, जेथी कोरोना की बीजी लहर में बाळको माटे वधु सावचेती राखवी जरूरी। सूरत में संक्रमण वधता हीरा और कापड़ मार्केट बंद। कोरोना ना केस वधता शनि रवि बजारों स्वैच्छिक बंद। हीरा बजार, मिनी बजार और कापड़ मार्केट बंद रहेशे। कापड़ मार्केट में वेपारी आया हता कोरोना की झपेट में। संक्रमण ने अटकाववा माटे स्वैच्छिक बंद नो लेवायो निर्णय। डायमंड ब्रेकर एसोसिएशन ना प्रमुख द्वारा लेवायो छे स्वैच्छिक बंद नो निर्णय। लोको स्वैच्छिक बंद पाळे, बंद में जोड़ाय ते माटे लोकोने कराई अपील। राजकोट सिविल हॉस्पिटल में कोरोना नो कहर। 10 डॉक्टरों सहित 50 जेटला तबीबी क्षेत्र स्टाफ ने कोरोना थयो। बाळकोना विभाग में डॉक्टर पंकज भूत संक्रमित थया। राजकोट सिविल ना अत्यार सुधी 175 तबीबों, 165 मेडिकल स्टाफ वर्ग ना 450 कर्मचारी ने लाग्यु छे कोरोना नु ग्रहण। दररोज 5-7 कर्मचारी कोरोना की झपेट में आवी रह्या छे। राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू थी प्रवासियों ने पड़ी रही है हालाकी। गुजरात थी राजस्थान जता मुसाफरो अटवाया। रतनपुर बोर्डर पर राजस्थान पुलिस की सघन तपास। गुजरात और राजस्थान की तमाम बसों ने परत मोकलवामां आवी। राजस्थान में प्रवेश न मळता प्रवासियों ने हालाकी पड़ी। कोरोना नु संक्रमण वधता राजस्थान में शनिवार और रविवार कर्फ्यू लगावायो, जेथी बहार थी आवता प्रवासियों ने 2 दिवस प्रवेश नहीं आपवामां आवे। अत्यारे अरवली बोर्डर पर थी राजस्थान तरफ जता तमाम प्रवासियों ने परत मोकलवामां आव्या। अमदावाद में कोरोना नो कहर वधता माधुपुरा मार्केटयार्ड में स्वैच्छिक बंद राखवामां आव्यो। कोरोना ना केस वधता माधुपुरा करियाणा मार्केट शनिवारे अने रविवारे बंद राखवानो निर्णय कर्यो छे, जेथी माधुपुरा मार्केट में वीकेंड बंद नो चुस्त अमल जोवा मळ्यो। कोरोना नी चेन तोड़वा माटे 2 दिवस माटे लॉकडाउन राखवू जरूरी छे। महत्वनुं छे के अमदावाद में संक्रमण वधता अनेक वेपारी एसोसिएशने स्वैच्छिक बंद माटे निर्णय कर्यो।
અમદાવાદમાં સંક્રમણ વધતા બજારોમાં સ્વૈચ્છિક લોકડાઉન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં અમદાવાદના સોની વેપારીઓએ પણ સ્વૈચ્છિક બંધ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો, જેથી માણેકચોક વિસ્તારમાં શનિ અને રવિવારે તમામ વેપાર ધંધા બંધ રાખવાનો નિર્ણય કરાયો. આ સિવાય વાસણા એપીએમસી માર્કેટ પણ બંધ રહ્યું. અમદાવાદના જોધપુરમાં આવેલી નારાયણ ગુરુ સ્કૂલમાં નિયમોમાં ધજાગરા ઉડ્યા છે. સંક્રમણ વચ્ચે ધોરણ 11 અને 12 ના વિદ્યાર્થીઓને પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષા માટે બોલાવવામાં આવ્યા. ધોરણ 11માં માસ પ્રમોશન નો સરકારે કર્યો છે નિર્ણય. સરકારે ધોરણ 11 ના વિદ્યાર્થીઓએ માસ પ્રમોશન આપવાનો નિર્ણય કર્યો. તે પછી સ્કૂલે કેમ ધોરણ 11 ના વિદ્યાર્થીઓને બોલાવવામાં આવ્યા તે સૌથી મોટો સવાલ.